हेलो दोस्तों, आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे एक मैक्सेल के टू चैनल एम की। दोस्तों मार्केट में सबसे ज़्यादा बिकने वाला एम है। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और दोस्तों जो नए हैं चैनल को वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि इस तरह की जब भी नॉलेज वाली वीडियो मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले दोस्तों आप वीडियो को देख पाएँ। तो चलिए दोस्तों आप वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों वीडियो आपको पूरी देखनी है। दोस्तों वीडियो के बीच में या लास्ट में मैं इसका प्राइस भी बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो आप पूरी देखें। और दोस्तों अनबॉक्सिंग करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि दोस्तों मार्केट में सबसे ज़्यादा बिकने वाला एम्ब है। दोस्तों सबसे ज़्यादा लोग इसे ख़रीदते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कंपनी ने बॉक्स पर क्या मेंशन कर रखा है। दोस्तों यहाँ पर मैक्सेल की हमें ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है और फील द बीट। और दोस्तों यहाँ पर यह 3600 वाट मैक्स पावर है इसकी। और दोस्तों यहाँ पर हमें B12 की वैजिंग देखने के लिए मिल जाती है। और दोस्तों जो है इसका यह मॉडल नंबर M802। और दोस्तों यहाँ कुछ इसकी स्पेसिफिकेशन दिखाई गई है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। 2 और 1, दोस्तों ये 2 और 1 दोनों चैनल सपोर्ट करता है, चाहे आप इसे ब्रिज मोड में भी यूज़ कर सकते हो या फिर सिंगल चैनल भी यूज़ कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ पर 2x, और दोस्तों ये दोनों चैनल को हमारे ब्रिज करने के बाद 1800 वाट मैक्स पावर आउटपुट निकालता है। और दोस्तों ब्रिजेबल एम्पलीफायर है, हमारा ब्रिजेबल टेक्नोलॉजी के यूज़ किया गया है। और दोस्तों जो आउटपुट है दोस्तों वो इसकी मॉसफेट आउटपुट है। तो यहाँ पर PWM डिजिटल पावर सप्लाई देखने के लिए हमें यहाँ पर मिल जाती है। और यहाँ पर हाई लेवल इनपुट फॉर ECM और रेडियोज़। दोस्तों इसके अंदर जो हमें जैसे सोनी या वगैरह जो बड़ी कंपनी हैं उनके अंदर हाई लेवल इनपुट देखने के लिए हमें मिल जाते हैं, वो भी इसमें दिया गया है। चाहे तो आप यहाँ पर RCA लीड ना कनेक्ट करें और डायरेक्ट आप इसमें जो हमारे स्पीकर की वायर हैं उसी से आप कनेक्ट करके इसे चला सकते हो। और दोस्तों फुल्ली एडजस्टेबल क्रॉसओवर है इसके अंदर, हाई पास के लिए अलग क्रॉसओवर मिल जाता है और दोस्तों लो पास के लिए अलग क्रॉसओवर। और दोस्तों यहाँ पर जो सिल्वर RCA लाइन इनपुट और आउटपुट, दोस्तों जो इसकी जो हमारी RCA लीड हैं उनके ऊपर जो निकले है जो कि उसके ऊपर प्रिंट किया गया है वो दोस्तों सिल्वर कलर का है। नीचे की तरफ यहाँ पर सिल्वर पावर कनेक्शन, दोस्तों जो हमारे पावर के कनेक्शन हैं वो भी दोस्तों इसके सिल्वर कलर के हैं। स्पेसिफिकेशन और दोस्तों एडजस्ट टू चेंज विदाउट द नोटिस। और दोस्तों यहाँ पर हमें 1 ईयर की वारंटी देखने के लिए मिल जाती है। और दोस्तों यहाँ पर B12 का हमारा एक एम्प बना हुआ है टू चैनल। और दोस्तों अब आ जाते हैं हम साइड में। साइड जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हो इसकी नीट एंड क्लीन है। दोस्तों यहाँ पर मैक्सेल की ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों और तो कुछ इसमें बॉक्स में नहीं है, इधर की साइड भी यही स्पेसिफिकेशन दिखाई गई है। चलिए दोस्तों अब मैं जल्दी से इसको आपको अनबॉक्स करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हमें एम्प देखने के लिए मिल जाता है यहाँ पर। चलिए बॉक्स को साइड में रख देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर इसमें हमें थर्माकोल की पैकिंग देखने के लिए मिल जाती है, चलिए इसको भी हटा देता हूँ। पॉलीथीन है दोस्तों, पॉलीथीन के अंदर पैक है। और दोस्तों यहाँ पर हमारे एक वारंटी कार्ड देखने के लिए मिल जाता है, दिखा रखा है इन्होंने इसमें वारंटी कार्ड में ये दोस्तों क्या क्या बनाती है कंपनी। दोस्तों यहाँ पर इनकी बेस ट्यूब देखने के लिए मिल जाती है। और दोस्तों यहाँ पर इधर आ जाते हैं, इधर की तरफ दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं एंड्रॉयड टच स्क्रीन बनाते हैं। और दोस्तों कार स्पीकर और पावर सबवूफर, MP3 प्लेयर और दोस्तों एम्प बनाते हैं। और एक्टिव अंडर सीट सबवूफर भी है दोस्तों इसके मिल जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पर बेस ट्यूब हमें देखने के लिए मिल जा रही है। चलिए आ जाते हैं हम इधर की तरफ। दोस्तों यहाँ पर इसके वारंटी कार्ड की तरफ कुछ स्पेसिफिकेशन दिखाए गए, चाहे तो आप पोस्ट करके पढ़ भी सकते हो। चलिए मैं इसको साइड में रख देता हूँ। दोस्तों अब आ जाते हैं हम अपने एम के ऊपर। ये जो इसका कलर है ग्रीन कलर है दोस्तों, देखने में काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। और दोस्तों काफ़ी सुंदर इसकी बनावट है, मैं देख पा रहा हूँ ये जो एम्प है हमारा काफ़ी हैवी वेट है दोस्तों, और काफ़ी तकड़ी इसमें हीट सिंक दी गई है जिससे हमारा एम्प गर्म नहीं होगा और दोस्तों जल्दी से ये ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पर मैक्सेल की ब्रांडिंग और फील द वेट टू चैनल पावर एम्पलीफायर, और दोस्तों 3600 वाट इसकी मैक्स पावर है। चलिए अब हम इस साइड आ जाते हैं, इस साइड में कंपनी ने हमें क्या मेंशन कर रखा है। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसकी बैक साइड देख पा रहे हैं, बैक साइड में कुछ होल दिए गए हैं इसकी दोस्तों जो बॉडी है, जिससे हमारा एम्पलीफायर हीट ना हो और दोस्तों जल्दी से ये ख़राब ना हो। और दोस्तों यहाँ पर मैक्सेल एम्प की दोस्तों यहाँ पर हमें सील देखने के लिए मिल जाती है, जिससे अगर ये सील ब्रेक होगी तो दोस्तों आपको वारंटी नहीं मिलेगी। जैसे कि हम इस साइड आ जाते हैं, इस साइड हमें 20 एम्पीयर का यहाँ पर फ्यूज देखने के लिए मिल जाती है। और दोस्तों ये इसकी पावर की जो हमारी इनपुट है यहाँ पर, ये दोस्तों जो बैटरी से पावर आएगी वो लगेगी यहाँ पर। और दोस्तों यहाँ पर चाबी से जो स्विच ऑन या ऑफ़ करते हैं हम, जिसे रिमोट बोलते हैं दोस्तों हम, REM लिखा हुआ है यहाँ। और दोस्तों ये है इसकी ग्राउंड वायर,
चलिए दोस्तों अब इधर आ जाते हैं। दोस्तों ये है इसका वन चैनल और दोस्तों टू चैनल। दोस्तों अगर आपको स्पीकर चलाने हैं तो आप प्लस यहाँ कनेक्ट करोगे और माइनस यहाँ, एक प्लस यहाँ और एक माइनस यहाँ। और दोस्तों अगर आपको सबवूफर चलाना है तो आप प्लस यहाँ कनेक्ट करोगे और दोस्तों माइनस यहाँ। दोस्तों आपको बीच में जो ये हमारे कनेक्टर दिए गए हैं इसे छोड़ देना है। दोस्तों ब्रिजवल आउटपुट, दोस्तों अगर आप यहाँ और यहाँ कनेक्ट करेंगे तो तभी आप अपना जो सबवूफर चला पाएंगे। दोस्तों आपको यहाँ और यहाँ अपना सबवूफर नहीं चलाना है, नहीं तो आपका एम ख़राब हो जाएगा। आप इस एम से एक सबवूफर या दो स्पीकर किसी भी कंपनी के चला सकते हो। यहाँ पर दोस्तों आप चाहे एक JBL या पाइनर या फिर अदर किसी भी कंपनी का एक सबवूफर चला सकते हो, और किसी भी कंपनी के दोस्तों आप दो यहाँ पर स्पीकर चला पाओगे। तो आप एक सबवूफर या फिर दो स्पीकर चलाओगे तो दोस्तों आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आने वाली। चलिए दोस्तों अब आ जाते हैं हम दूसरी साइड। दूसरी साइड दोस्तों जैसे कि देख पा रहे हो इसमें यहाँ पर ऑक्स देखने के लिए मिल जाती है। ज़्यादातर आपको एम में ये जो हमारा फीचर्स हैं ये देखने के लिए नहीं मिलेगा। जितने भी एम्प होते हैं या आप RC लीड से कनेक्ट करो या फिर हाई लेवल इनपुट से, दोस्तों इसमें ऑक्स पिन भी दी गई है। चाहे तो आप डायरेक्ट अपने मोबाइल से इसे चला सकते हैं, कोई स्टीरियो की ज़रूरत नहीं आप। और दोस्तों इसके हाई इनपुट हैं। दोस्तों अगर आप RC लीड से नहीं चलाना चाहते तो आप इसको जो हमारे स्पीकर वायर हैं उन्हीं को यहाँ पर कनेक्ट करके चला सकते हो। ये है इसकी गेन, आप अपने सबवूफर या फिर स्पीकर के हिसाब से अपनी गेन आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। और दोस्तों ये है इसकी इनपुट, दोस्तों ये दोस्तों इनपुट के लिए दिए गए हैं और दोस्तों ये आउटपुट के लिए। दोस्तों यहाँ पर आप जो हमारे स्टूडियो से वायर आएगी, जो RCA लीड आएगी दोस्तों, उसको यहाँ पर कनेक्ट करना है। अगर आपको कोई एम्पलीफायर अलग से चलाना है तो आप उसके लिए यहाँ पर आउटपुट के लिए कनेक्शन ले सकते हो। और दोस्तों यहाँ पर हमारा LPF या फिर HPF पे हम इसे सेट कर सकते हैं। और दोस्तों ये है इसका फ्रिक्वेंसी रेस्पॉन्स, जो दोस्तों जिस फ्रिक्वेंसी पर भी हमें सेट करना है आप इस अपने हिसाब से यहाँ पर सेट कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ कंपनी ने दे रखा है आप कितनी बेस पे दोस्तों इसे चलाना चाहते हो, या फिर 0 dB या फिर 6 dB या 12 dB। ये दोस्तों दोनों तीनों ऑप्शन यहाँ पर देखने के लिए हमें मिल जाते हैं। आप अपने सबवूफर के हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ पर दो LED दी गई हैं, एक दोस्तों अगर आपका एम्प सही होगा तो ऑन की लाइट जलेगी, अगर दोस्तों कोई प्रॉब्लम होगी तो दोस्तों ये प्रोटेक्शन मोड में जाएगा। इसी तरह की इसमें कुछ सेटिंग दिखाई गई हैं। चलिए दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों जो हमने इससे पहले दो 4-channel एम्प की अनबॉक्सिंग की है, डिस्क्रिप्शन में दोस्तों मैंने उसका लिंक दिया है, चाहे तो आप उन वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों अब बात करते हैं इसके प्राइस की। दोस्तों जो इसका प्राइस है वो 2500 रुपये के आसपास है। और दोस्तों प्राइस थोड़ा बहुत वेरी करता रहता है। और दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और जो भाई नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की नॉलेज वाले वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। दोस्तों आप वीडियो को देखते हैं, और दोस्तों इसी के साथ वीडियो को करते हैं एंड और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।